रिवाइज करते 15 मिनट टाइम लेके उसके बाद आगे चलेंगे। और इस तरीके से जब रिवाइज करे, ऐसे ही पैटर्न होता है रिवाइज करने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 मिनट्स लो और 10 पेज को पलटाओ, यानी एक पेज को लेके बैठ जाए। एक बार बस 2 मिनट रिविजन के बारे में बात करता है। कोई भी सब्जेक्ट कभी भी अगर रिविजन को लेके उठाओ, जैसे अभी अभी नेक्स्ट में हम अपने IDT का ये जो 3 क्लास किए उसको रिवाइज करेंगे, समझ आएगा। बट कोई भी सब्जेक्ट को जब रिविजन के लिए उठाएगा, एक पेज में टाइम देने का नहीं होता है। जितना क्विक मूविंग पेजेस होगा ना, उतना ज्यादा याद रहेगा। रीजन बीइंग, हम लोग सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जोर से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में सेट रहता है, वो याद रहता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड समझता है क्या होता है? अगर एक ही पेज में बहुत ज्यादा कॉन्टेंट पढ़ लो तो दिमाग घूमने लगेगा, वो वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो पढ़ने को एक बार तो हम लोग सब पढ़ते हुए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या वो हर बार सारा चीज पढ़ना पॉसिबल है? आंसर इज नो। चलो एक सब्जेक्ट में मैनेज कर भी लो, 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉट पॉसिबल। क्या वो इतना भी पॉसिबल है कि हम लोग एक दिन पहले, डेढ़ दिन पहले पढ़ पाए? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वैसे ही पढ़े जो लास्ट डे अपना समेटा जा सके, सिलेबस को समराइज किया जा सके। डन है? चलो इसको मेरे साथ साथ रिवाइज करना, बोलना लोरी की तरह, सुनना नहीं है, बोलते हुए चलना, एकदम याद अपने क्लास में कर लेंगे। देखिए, टैक्स क्या है? टैक्स कुछ नहीं, एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है। मैंडेटरी या वॉलंटरी? मैंडेटरी, इच्छा अनुसार नहीं है, तो मैंडेटरी है। ये मैंडेट करता कौन है? क्या गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है? नहीं। चार्ज करेगा गवर्नमेंट, लगाएगा गवर्नमेंट, बट उसको अथॉरिटी कौन दे रहा है? अपना सुप्रीम लॉ, नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, आर्टिकल नंबर 265 बोलता है आप टैक्स तो लगाइए बट लॉ बना के लगाइए। ठीक, लॉ कैसे बनेगा? आर्टिकल 245 इंपॉर्टेंट नहीं है, 246 बोलता है अपना इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, कौन सा गवर्नमेंट कैसा लॉ बनाएगा, उसमें शेड्यूल 7 तीन लिस्ट बताता है। तो शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 तीन लिस्ट बताया, 1, 2, 3। 1 क्या है? यूनियन लिस्ट, 2 स्टेट लिस्ट, 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ गवर्नमेंट्स हैव इक्वल राइट्स। बट कॉन्करेंट लिस्ट में झमेला ये, अगर कहीं पर भी कोई झमेला हो गया, बातावाती हो गया स्टेट और सेंटर के बीच में, जो दिल्ली का नियम है, तब क्या होगा? किसका बात माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कहीं पर भी स्टेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम लिस्ट 2। डन है? क्लियर यहां तक? तो बोलो ये फॉर्मेट में GST को लाना पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था। तब हम लोग एक नया आर्टिकल डाले, 246A। 246A हम लोग डाले, DT IDT का डिफरेंस लास्ट में कर लेंगे। 246A हम लोग डाले जिससे GST आया, जिससे GST आया। और वो क्या बोला जब GST लाया, तो उसमें क्या बोला 246A? क्या बोलता है? पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का इक्वल राइट होगा लॉ बनाने का और GST चार्ज करने का, दोनों को इक्वल राइट दिया। यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आर्टिकल 254 अप्लाई करेगा? नहीं, पहला लाइन में लिख दिया था ओवर रूलिंग 246 एंड 254। करेक्ट है? यानी सिर्फ GST में किसका बात माना जाएगा? 246A का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉस बनाएंगे। करेक्ट है? और 246A का सेकेंड पार्ट क्लॉज 2 क्या बोला था? अगर इंटर स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट होगा। यानी बोलने का मतलब ये ड्यूअल स्ट्रक्चर जो अपना जीएसटी का आया वो यहीं से आया। पहला लाइन बोला आप अगर इंटर स्टेट हो रहे, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉस बनाएंगे, तभी अपना CGST और SGST निकला। पॉइंट नंबर 2 बोला अगर इंटर स्टेट है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, IGST लगेगा। क्यों बनाएगा? अपने डिस्कस किए थे एग्जांपल से, याद होगा ये वाला एग्जांपल। सेम स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कट है, एक ही स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जाएगा। इंटर स्टेट अगर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, बहुत बढ़िया। बट इसमें पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी जाता कौन से स्टेट को है? सेलिंग स्टेट या कंज्यूमिंग स्टेट? कंज्यूमिंग स्टेट, लॉजिक डिस्कस किए थे, सारे स्टेट कंजम्पशन तो करेंगे ही। पॉइंट नंबर 2, क्या CGST इधर अप्लाई करेगा? नहीं। कौन से स्टेट का लॉ लगे? नहीं पता। तब हम लोग SGST CGST को मिला के क्या बोले? IGST।
तो 246 ए बोला आईजीएसटी कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट। बट क्या वो रख सकता है अपने जेब में? नहीं। इसके लिए आया आर्टिकल 269 ए। वो क्या बोला? 269 ए अगला वाला, वो क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना के कलेक्ट तो करेगा, चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, बट रखेगा नहीं, वो अपोर्शन करेगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। वो आधा खुद रखेगा, आधा स्टेट को दे देगा। कौन से स्टेट को देगा? कंज्यूमिंग स्टेट को देगा। बात डन है, क्लियर कट। तो प्रोड्यूसिंग स्टेट का क्या? प्रोड्यूसिंग स्टेट को तो पहले के लॉ में लॉस हो रहा था, तो उसका क्या? उसको हम लोग कैसे कॉम्पेंसेट कर रहे थे? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के थ्रू उसको कॉम्पेंसेट किया जा रहा था। ये पढ़े थे यहां पे, देख लो, याद है? डन है। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस आया था टू कॉम्पेंसेट द प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सबका बात मान लिया गया, परफेक्ट। आर्टिकल 366 में कुछ नहीं, ये ध्यान नहीं रखने का है। सच जीएसटी का डेफिनेशन है, वो क्या बोलता है? वो बस इतना बोलता है कि अपने जीएसटी का मीनिंग क्या है। ये किस पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई सेल नहीं, कोई सर्विसेज नहीं, किस पे? सप्लाई पर लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना वही होगा, सप्लाई पे लगेगा, बट एक्सक्लूडिंग किस पे? एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोले तो दारू, करेक्ट है। यानी क्या, हम लोग जीएसटी में अल्कोहल से, अल्कोहल को जीएसटी से बाहर कर दिए, यहीं पे कर दिए, डन है। नेक्स्ट, तो अभी तक हम लोग देखिए जीएसटी में 246 ए 269 ए, डन है। अब प्रॉब्लम ये कि जब ये लोग लॉ बनाएंगे तो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा बढ़ाना है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा घटाना है, झमेला फिर से आ रहा है। तो इसको, इसके बीच में भी ये मीडिएटर वाला रोल कौन प्ले करेगा? वो प्ले करेगा जीएसटी काउंसिल, जो 279 ए में आया। सारा जीएसटी वाला ए आर्टिकल्स है, ठीक है, 246 ए, 269 ए, 279 ए, डन है। अब इसमें काउंसिल बनाया, काउंसिल का क्या काम होगा? वो जितना भी मैटर्स फॉर जीएसटी डिस्कशंस है वो ये लेगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? नहीं। क्या स्टेट गवर्नमेंट लेगा? नहीं। कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। इसलिए तुम लोग अभी नोटिस भी किया होगा, बजट में कोई डिस्कशन नहीं होता जीएसटी को लेके, एवरीथिंग इज डन बाय जीएसटी काउंसिल, डन है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेंटर के भी स्टेट के भी। कौन कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दो लोग सेंटर के, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण, और नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और टैक्सेशन, जो भी रेवेन्यू या टैक्सेशन के उस समय मिनिस्टर होंगे, वो दो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से। चेयरपर्सन कौन होगा इनमें से? फाइनेंस मिनिस्टर हेड होंगे वो चेयरपर्सन। स्टेट से कौन कौन लोग होंगे? हर स्टेट से एक जन, 28 स्टेट से 28 लोग, प्लस तीन यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, उसको अपने स्टेट का राइट देते हैं, तो उससे भी तीन लोग एक 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 होंगे, यानी कुल मिला के 31 लोग होंगे। और कौन लोग होंगे स्टेट में से? कोई भी रेवेन्यू या टैक्सेशन का मिनिस्टर, करेक्ट। और वो अवेलेबल नहीं है तो एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, चलेगा, डन है। तो कुल मिला के 33 लोग जीएसटी काउंसिल के होंगे। क्या ये लोग का डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, बोलो तो? 33 में जो 50% वोट डालते वो? नहीं। 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दो चीज में इसको ब्रेक करते हैं। पहला 75% देखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बट ये 75% काउंट करना ना, ये सबको इक्वल वोट नहीं दे रहा है। कैसे कर रहा है? सेंट्रल को 1/3 वेटेज दे दिया, यानी सेंटर हां बोला तो 33%, ना बोला तो 0, करेक्ट। और स्टेट को, सारे स्टेट्स को मिलाकर 2/3 वोट्स दे दिया, 67% वोट्स दे दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, याद है किस तरह से लॉजिक इसका निकला था। सेकंड, जीएसटी काउंसिल का दो मेन बात, पहला चीज वो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताता है जो आगे बहुत बार लगेगा। क्या थे? देखे थे हम लोग 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। जुमान जी का मैच ऐसे जम्मू एंड कश्मीर से नहीं होगा, पहले पूरा लाइन बोलो। जुमान जी का मैच वीक है तो उसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दिए, दर्जा दे दिए, जो भी जुमान और मैच, जे जम्मू एंड कश्मीर, यू उत्तराखंड, 3 M है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, 2 A है, अरुणाचल, असम, N नागालैंड, और मैच का एम ए हो गया T, त्रिपुरा, H हिमाचल, S सिक्किम, परफेक्ट है।
100%। चलो ये कभी भी तुमको ये नहीं बोला 11 कैटेगरी, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताओ। नहीं, हर क्वेश्चन में स्टेट लिखा होगा, अपने को वो समझना है स्पेशल है या जनरल है, उससे अलग अलग आगे अलग अलग प्रोविजन हम लोग देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट काम जीएसटी काउंसिल का, ये वो डेट बताएगा जिस दिन से जीएसटी किस पे लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जिस दिन से जीएसटी लगना चाहिए। फाइव प्रोडक्ट्स मिला के अपने बोले थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या क्या, क्रूड ऑयल, उससे दो बना, डीजल पेट्रोल और एटीएफ एविएशन का फ्यूल फ्लाइट्स का, और एक गैस नेचुरल गैस, डन है। ये अपना जीएसटी काउंसिल को लेके बात था। बस इतना ही किए थे, हाँ बस। और ये देख लो, चार प्रोडक्ट जिसपे आज के दिन जीएसटी नहीं है, या कुछ जीएसटी है तो और भी कुछ है, बाय डिफॉल्ट सब पे जीएसटी है, ये याद रखना। हर प्रोडक्ट बैठ के ये मत सोचना क्या था, नहीं, बाय डिफॉल्ट सब पे जीएसटी ही है, एक्सेप्ट फोर प्रोडक्ट्स। चार प्रोडक्ट में अलग अलग केसेस आ रहे हैं, क्या क्या वो चार प्रोडक्ट है पहले ये बोल दो, टोबैको, ड्रग्स, दारू और पेट्रोल, ये चार प्रोडक्ट। याद ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन आएगा अपने लिख पाएंगे। और याद रखने का ट्रिक क्या था, ये नीचे अपने जो लिखे हैं इससे याद रहेगा, ठीक है। लॉजिक अपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, क्यों इस पे क्या लगा, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए था तो स्टेट बोला हम नहीं छोड़ेंगे अल्कोहल को, आपको इस पे स्टेट एक्साइज रखना पड़ेगा, वो सब अपने डिस्कस कर रखे। इसमें याद करने का तरीका है क्या है, स्टेट में, अच्छा इससे पहले वो बोलो, प्री 2017 के पहले याद है हम लोग एक समरी बनाए थे किस पे क्या लगता था, तो 2017 के पहले जब जीएसटी नहीं था, सर्विस पे सर्विस टैक्स वो किसको जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पे सॉरी गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज बाय डिफॉल्ट सेंट्रल एक्साइज, दो प्रोडक्ट पे स्टेट एक्साइज, कौन सा, दारू एंड ड्रग्स, दारू एंड ड्रग्स, और सेल ऑफ गुड्स पे वैट या सीएसटी। तो उसी के आधार पर देखो, स्टेट में दीदी, सेंटर में बीजेपी, इसे याद रखने का तरीका है, स्टेट में दीदी सेंटर में बीजेपी, यानी इससे एक्साइज हो गया, स्टेट एक्साइज दीदी वाले प्रोडक्ट्स पे है, दारू और ड्रग्स, सेंट्रल एक्साइज बीजेपी वाले प्रोडक्ट्स में बीडी और पेट्रोल, बीडी यानी टोबैको और पी पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डन है, सेंट्रल एक्साइज स्टेट एक्साइज, ये तो क्लियर हुआ। अब रहा बात किस पे जीएसटी है किस पे वैट है, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स है उस पे जीएसटी है, क्या क्या, सॉरी लिक्विड प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं है, क्या क्या, दारू और पेट्रोल, ये दोनों पे जीएसटी नहीं है, क्या है इन दोनों पर, वैट है या सीएसटी है, तो बाकी के दो प्रोडक्ट पे जीएसटी है, सिंपल बात। और अगर नहीं, ये लास्ट वाला नहीं, तो अपने को अपने लॉजिक से भी देखें, जीएसटी सिर्फ दो प्रोडक्ट पर नहीं है, वो है दारू और पेट्रोल, और जब जीएसटी नहीं है तो इन पर वैट है, सेल होगा तो वैट लगेगा, खत्म बात, सिंपल सिंपल, डन है, लाइफ इज इजी, आगे चले, परफेक्ट। तो अभी अपने 14 मिनट्स लिए, पर पूरा का पूरा समराइज कर लिया इसको, एक छोटा सा टॉपिक वो डीटी आईडीटी का डिफरेंस बच गया, उसको भी कर ही लो, आ जाओ। देखो डीटी आईडीटी का डिफरेंस पेज था 1.4, पहला डीटी किस पे लगेगा, ये एग्जाम्पल तो ध्यान है ना, किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन किए थे पूरा डीटी आईडीटी का, पहला मीनिंग बताओ, डीटी किस पे लगेगा, इनकम टैक्स, इनकम पर, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पर, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम लोग इनकम टैक्स को क्या बोलते थे, तिजोरी टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को कंजम्पशन या बिजनेस टैक्स, परफेक्ट। पॉइंट वन, पॉइंट टू, इंपैक्ट इंसिडेंस किस पे होगा, डायरेक्ट टैक्स में सेम इंसान जो इनकम अर्न कर रहा है उसी पे लॉ लगा, उसी को टैक्स भरना है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में दो अलग अलग लोग, लॉ लगता है सप्लायर पर वो रिकवर करता है कंज्यूमर से, ये पढ़े थे अपने ऊपर एग्जांपल में बना हुआ, ठीक है। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोग पे, इंसिडेंस यानी लॉ किस पर लगा, इंसिडेंस, इंपैक्ट बर्डन किस पर पहुंचा, डन है पक्का। थर्ड एग्जाम्पल आपने को पता है, इनकम डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम वेल्थ, एग्जाम्पल इनकम वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, वैट और बहुत सारा सभी एग्जाम्पल आ जाएगा। चौथा नेचर, इन डायरेक्ट टैक्स इज डैश प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश रिग्रेसिव, मीनिंग पता है, प्रोग्रेसिव इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, रिग्रेसिव इनकम कुछ भी हो
टैक्स आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, बिस्किट का पैकेट अंबानी खरीदे या अपने खरीदे, जो भी खरीदे सेम टैक्स लगेगा। डन है पक्का? इसके एग्जांपल अपने नोटबुक में पूरा बनाए भी थे, कैसे डिस्पोजेबल इनकम कितना रहता है, और ये याद होगा ये वाला। डन है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट फाइव, इन्फ्लेशन का बात करें तो आईडीटी का रेट, कल को जीएसटी रेट बढ़ेगा तो क्लियर कट प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ा, तो यानी महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ेगा। अगर डायरेक्ट टैक्स का बात करें, अगर डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का रेट बढ़ जाए, क्या टैक्स का बर्डन बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यानी डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास कम बचेगा, हाँ, बिकॉज ऑफ दैट क्या हम कम खर्चा कर पाएगा, हाँ, और जब खर्चा ही कम करा तो प्राइस कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्लियर है। तो वो इन्फ्लेशन वहां ऑपोजिट रिलेशन हो जाता है, अगर आप डीटी बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स सॉरी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और टैक्स इवेजन का अगर बात करें तो बोलो किसमें इजी है किसमें डिफिकल्ट है? डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है, इजी भी है, माने किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां सेलर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बोलो यहां तक डन है पक्का? पक्का, अपने पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज कर चुके हैं।